हैं आज पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ कॉर्नर्स ऑफ अ स्लिट ऑफ साइज ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट देन इट बेंड्स एट कॉर्नर्स ऑफ स्लिट द फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। होता क्या है, जब लाइट ऐसी स्लिट पे गिरती है जिसका साइज लाइट की वेवलेंथ के बराबर होता है, तो लाइट जो है कॉर्नर्स पे बेंड कर जाती है। इस फिनोमेना को डिफ्रैक्शन कहते हैं। और स्क्रीन पर हमें बैंड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बैंड्स, ऑल्टरनेट मैक्सिमम और मिनिमम की हमें बैंड मिलते हैं। वी ऑप्टेन ब्राइट एंड डार्क बैंड ऑन स्क्रीन विच इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो जैसा इंटरफ्रेंस में ब्राइट और डार्क बैंड मिलते हैं, इसमें भी हमें डार्क और ब्राइट बैंड मिलते हैं, पर इन बैंड्स में थोड़ा सा फर्क होता है इंटरफ्रेंस के बैंड से। तो डिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए। ऐसे भी कहते हैं एनक्रोचमेंट ऑफ लाइट इन शैडो रीजन में लाइट पहुंच जाती है और हमें बैंड्स मिलते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अब हम समझेंगे कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन एंड रीजन फॉर डिफ्रैक्शन। कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन वैसे मैं बता ही चुका हूं, लेकिन फिर भी समझते हैं। कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, साइज ऑफ स्लिट मस्ट बी ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो स्लिट का साइज है वो लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। रीजन फॉर डिफ्रैक्शन प्लेन वेव फ्रंट ऑन स्ट्राइकिंग द स्लिट बिकम स्फेरिकल। जो वेव फ्रंट है, जो प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है बहुत दूर से, वो स्फेरिकल हो जाता है। और हमने पढ़ा ही है कि लाइट परपेंडिकुलर चलती है वेव फ्रंट के, तो लाइट बेंड हो जाती है वेव फ्रंट स्फेरिकल होने से। तो प्लेन वेव फ्रंट ऑन स्ट्राइकिंग द स्लिट बिकम स्फेरिकल। अब हम समझेंगे डिफ्रैक्शन में हमें ब्राइट डार्क पैटर्न क्यों मिलता है। तो इसे हम कहते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन।
फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट। तो फ्राउनहोफर ने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन करके दिखाया था, और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में जो सोर्स होता है वो बहुत दूर पर होता है, यानी कि जो वेव फ्रंट आएगा वो प्लेन आएगा। तो जैसे ये स्लिट है, स्लिट का साइज ए है, और ये जो है दिस इज द सेंटर ऑफ अ स्क्रीन। तो ये स्लिट पर हम मान सकते हैं बहुत सारे सोर्स हैं, मतलब स्लिट कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट, वेव फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ अ स्लिट रीच सेंटर ऑफ अ स्क्रीन इन फेस, हैंस मैक्सिमा इज फॉर्म्ड Hence maxima is formed at a center of a screen which is also called central maxima। जैसे इस स्लिट पे बहुत सारे सोर्स हैं, इससे लाइट जा रही है, तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, पाथ डिफरेंस नहीं है तो फेज डिफरेंस जीरो हो गया, और जब फेज डिफरेंस जीरो होता है तो वहां पर मैक्सिमा बनता है। तो हमने कहा फेज में मिल रही है, कैसे मिल रही है, इन फेज मतलब होता है फेज डिफरेंस जीरो। तो स्क्रीन के सेंटर पर जो लाइट जाएगी वो पार्ट डिफरेंस जीरो या फेज डिफरेंस जीरो में मिलेगी, और हमें सेंटर ऑफ स्क्रीन मैक्सिमा मिलेगा। अब हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ मिनिमा। निकालने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। लेट डिवाइड द स्लिट Let divide the slit in two parts। ध्यान रखें, जब हम even number of parts करेंगे slit के तो हमें minima मिलेगा, और जब हम odd number of part करेंगे slit के तो हमें maxima मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है समझाऊंगा अभी। सबसे पहले हमने even number of part करे slit के, मतलब slit को हमने दो भागों में बांट लिया, a/2 और a/2, और ऐसे माना कि एक ऊपर के पार्ट से एक नीचे के पार्ट से वेव मिल रही हैं। तो इनमें जो पार्ट डिफरेंस है वो डेल्टा एक्स है। पार्ट डिफरेंस जो है वो डेल्टा एक्स है, ये पार्ट डिफरेंस है, इतना एक्स्ट्रा चल रही है, ये पार्ट डिफरेंस है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये 90 - थीटा होगा, ये 90 होगा, ये थीटा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आती बात तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। स्लिट के दो टुकड़े करें, ये वाला एंगल थीटा लिया है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है, ये एंगल 90 मान लिया, ये थीटा है, ये 90 - थीटा होगा, ये 90 होगा, तो ये भी थीटा होगा, और ये हो गया पार्ट डिफरेंस। और ये स्लिट के दो टुकड़े करें तो हम कह सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन a/2 साइन थीटा होगा। तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आ रही है a/2 sin θ, और हमें मालूम है जब ये पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा तो फेज डिफरेंस पाई होगा। करके देख लो फेज डिफरेंस क्या होता है, 2π/λ × πd, तो 2π/λ × λ/2, तो फेज डिफरेंस पाई हो गया। और फेज डिफरेंस पाई पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है, तो पहले मिनिमा की कंडीशन निकल रही है a sin θ = λ।
या साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, अगर थीटा स्मॉल है तो थीटा इज लैम्डा बाई ए, यानी इतने एंगल पर मिनिमा मिलेगा, पहला मिनिमा मिलेगा लैम्डा बाई ए पर। मैंने आपको बताया था कि इवन पार्ट लेंगे तो मिनिमा मिलेगा, ऑड पार्ट लेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा। तो पहले हम एक और समझते हैं, लेट डिवाइड द स्लिट, लेट डिवाइड द स्लिट इन फोर पार्ट्स, एक दो तीन चार, एक पार्ट हो गया ए बाई फोर, और इन दोनों पार्ट से वेव मिल रही है, पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स है, ये एंगल थीटा है। तो हम कह सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन ए बाई फोर साइन थीटा होगा, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा ए बाई फोर साइन थीटा। अब मिनिमा के लिए फिर हम क्या करेंगे, ए बाई फोर साइन थीटा को लैम्डा बाई टू रख देंगे, तो ए साइन थीटा आ जाएगा टू लैम्डा। तो पहली बार पहला मिनिमा के लिए आया था ए साइन थीटा इज इक्वल टू, पहली बार आया था ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, दूसरी बार आया ए साइन थीटा इज इक्वल टू टू लैम्डा। तो जनरल हम कह सकते हैं मिनिमा के लिए ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और एन इसमें वन से स्टार्ट होगा, ए जो है साइज ऑफ स्लिट है, ये क्या है साइज ऑफ स्लिट। अब हम निकालेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन, कौन से मैक्सिमा की पोजीशन, सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन निकालेंगे, फिर इसको प्लॉट करके दिखाएंगे। कंडीशन फॉर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैक्सिमा के लिए स्लिट के ई ऑड पार्ट करेंगे, तो लेट डिवाइड द स्लिट इन थ्री पार्ट्स। अब हम ये समझेंगे कि तीन पार्ट से मैक्सिमा क्यों बनेगा और मैक्सिमा की पोजीशन कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया ए बाई थ्री, एक वेव यहां से मिल रही है, एक वेव यहां से मिल रही है, ये एंगल थीटा हो गया, ये पार्ट डिफरेंस हो गया, तो डेल्टा एक्स अपॉन ए बाई थ्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज साइन थीटा हो गया, तो डेल्टा एक्स हो गया ए बाई थ्री साइन थीटा। तो अगर हम ए बाई थ्री साइन थीटा को लैम्डा बाई टू रखेंगे तो इन दोनों से मिनिमा बनेगा, लेकिन इस वाली वेव और इस वाली वेव से पार्ट डिफरेंस डबल हो जाएगा यानी लैम्डा हो जाएगा, और जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो जाता है तो फेस डिफरेंस जो है वो टू पाई का हो जाता है, और फेस डिफरेंस टू पाई का मतलब मैक्सिमा। तो अगर इन दोनों से मिनिमा ले लें तो इनसे ऑटोमेटिकली मैक्सिमा बन जाएगा, तो हर ऑड टुकड़ा मैक्सिमा बनाएगा। तो हम कह सकते हैं ए साइन थीटा इज इक्वल टू थ्री लैम्डा बाई टू सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन है। तो जनरल क्योंकि ये तीन से स्टार्ट हुआ है तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई टू, ध्यान रखना 2n प्लस 1 है, इंटरफ्रेंस में हमने माइनस 1 लिया था, डिफ्रैक्शन में हमें प्लस 1 लेंगे और n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब ये है आपसे अगर फर्स्ट मैक्सिमा पूछे, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो n को 1 रखना है, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा पूछे तो n को 2 रखना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a पर हमको मैक्सिमा मिलेगा। फिर समझ लो मैक्सिमा क्यों है, ये मिनिमा नहीं है, कंडीशन मिनिमा की लगाई है लेकिन बन मैक्सिमा रहा है, यही समझने वाली बात है। क्योंकि मैंने कहा है ये वाला पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, ये वाला पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, तो ये वाला पार्ट डिफरेंस इसका डबल होगा सिमिलैरिटी से, तो ये डबल होगा तो ये लैम्डा होगा,
इन दोनों के बीच में मिनिमा बनेगा तो इन दोनों के संग मैक्सिमा बनेगा, तो यानी ये मैक्सिमा के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये वाला पार्ट मैक्सिमा के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी तीन पार्ट में से एक पार्ट मैक्सिमा के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है और दो पार्ट मिनिमा के ही हैं अभी भी। तो ये तरीका हमने निकाला है इसे समझाने के लिए डिफ्रैक्शन को कि मैक्सिमा कैसे बन रहा है। ऐसे ही पांच पार्ट करेंगे तब भी मैक्सिमा बनेगा, तो जनरल कंडीशन निकाल दी है मैंने। अब हम इस स्क्रीन पर इसको प्लॉट करते हैं कि कहाँ मिनिमा और कहाँ मैक्सिमा मिल रहा है। तो बेटा ये हमारी स्लिट है, स्लिट का साइज ए है। हमने आपको समझाया कि सेंटर ऑफ स्क्रीन पर मैक्सिमा बन रहा है और मिनिमा के लिए कंडीशन आई है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए, थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए, जिसमें एन की वैल्यू वन से स्टार्ट है। तो पहला मिनिमा बनेगा लैम्डा बाई ए एंगल पर, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो लैम्डा बाई ए होगा मिनिमा का। ऐसे ही दोनों तरफ होगा स्क्रीन के, तो ये लैम्डा बाई ए। ध्यान रखें यहां से लेके यहां तक इस बीच को कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। अब मैक्सिमा की कंडीशन क्या निकली थी, मैक्सिमा की कंडीशन निकली थी ए साइन थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू। तो साइन थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू ए, तो थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू ए। अगर मैं एन को वन रख दूं तो पहला सेकेंडरी मैक्सिमा थ्री लैम्डा बाई टू ए पे मिल रहा है, तो ये वाला जो एंगल जब थ्री लैम्डा बाई टू ए हो जाएगा तो हमें मैक्सिमा मिलेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं इसे। ऐसे ही इधर होगा थ्री लैम्डा बाई टू ए पे सेकेंडरी मैक्सिमा होगा, सेकेंडरी होगा मैक्सिमा। और ये मिनिमा की कंडीशन थी, ये मिनिमा है आपका। दो मिनिमम, पहले दो मिनिमम के बीच में जो मैक्सिमम है वो है सेंट्रल मैक्सिमा। तो अगर आपसे पूछे एंगुलर विथ, एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा कितना चौड़ा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा टू थीटा चौड़ा है, थीटा इधर थीटा इधर टू थीटा, और थीटा की वैल्यू रखते हैं तो थीटा है लैम्डा बाई ए, तो एंगल ऑफ विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आ गया टू लैम्डा बाई ए। मान लो स्क्रीन और स्लिट की बीच की दूरी कैपिटल डी है, तो अगर आपसे लीनियर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछे, लीनियर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अगर पूछे किसी सवाल में, तो हमें लीनियर विथ निकालने के लिए डी से मल्टीप्लाई कर देना होता है एंगल ऑफ विथ को, तो 2d लैम्डा बाई ए, ये हमारी लीनियर विथ आ गई सेंट्रल मैक्सिमा की। ज्यादातर यही सवाल आता है एग्जाम में कि डिफ्रैक्शन क्या है, कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन क्या है, उसके बाद पूछा जाता है कि डिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, और चौथा सवाल ये है कि एंगुलर विथ सेंट्रल मैक्सिमा की निकाल के दिखाओ, तो यही सब करके दिखाना होता है। ये पूरा मैंने आपको डिफ्रैक्शन का समझा दिया। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम क्यों होती जाती है, मतलब होता क्या है, सबसे ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा पे होती है, ये मिनिमा है, नीचे वाले को माइनस लिख दिया है, फिर ये सेकंड मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम हो जाती है, फिर अदर मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होती जाती है। ये एक सवाल है कि ऐसा क्यों होता है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट ऑफ स्लिट, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट ऑफ स्लिट टूवर्ड्स सेकेंडरी मैक्सिमा, towards secondary maxima goes on decreasing, hence intensity of maxima,
एंड इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो इंटरफ्रेंस में इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है, मैक्सिमा सारी इक्वल इंटेंसिटी की होते हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन में जो मैक्सिमा डिफ्रैक्शन में जो मैक्सिमा की इंटेंसिटी है वो लगातार कम होती जाती है। तीन में से एक पार्ट मैक्सिमा के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा था, ऐसे ही जब हम पांच पार्ट करेंगे तो पांच में से केवल दो ही पार्ट मैक्सिमा के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इंटेंसिटी मैक्सिमा की लगातार कम होती जाती है। तो ये आपने पढ़ा डिफ्रैक्शन, अब हम इसके कुछ सवाल करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड इज इजियर देन लाइट। जस्टिफाई फॉर डिफ्रैक्शन साइज ऑफ स्लिट मस्ट बी ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो साउंड की जो वेवलेंथ होती है वो मीटर्स में होती है, और जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो 10^-7 मीटर के ऑर्डर की होती है। तो साउंड के लिए जो ओपनिंग चाहिए मीटर में चाहिए, विच इज नेचुरल ओपनिंग साइज। जैसे आपका विंडोज हो गई, डोर्स हो गए, उनकी जो साइज होती है ओपनिंग की वो मीटर्स में होती है, और लाइट की वेवलेंथ 10^-7 मीटर होती है, तो इतनी छोटी वेवलेंथ चाहिए, बहुत छोटी वेवलेंथ है ये, तो बहुत छोटी स्लिट चाहिए, वेरी स्मॉल स्लिट इज रिक्वायर्ड, मतलब इतनी स्मॉल चाहिए 1 मीटर के 10^7 पार्ट्स, इतनी स्मॉल ओपनिंग चाहिए, विच इज नॉट प्रेजेंट इन नेचर। इसके लिए हमें स्लिट बनानी पड़ेगी। तो अगर आप डिफ्रैक्शन लाइट का देखना चाहते हैं तो एक ग्लास की पट्टी ले लीजिए और उसको धुएं से काला कर लीजिए और फिर उस पर एक ब्लेड से लाइन मारिए, तो ये लाइन जो होगी, ब्लेड की जो लाइन होती है उसकी जो थिकनेस होती है वो इस ऑर्डर की होती है, तो उससे हमें डिफ्रैक्शन अच्छा देखने को मिलेगा। तो साउंड का डिफ्रैक्शन आसान है, इसलिए साउंड जो है वो बेंड कर जाती है आसानी से। तो हम क्या कर पाते हैं, हम एक रूम में बोलते हैं तो दूसरे रूम में पहुंच जाती है आवाज़ मुड़ के बेंड होके, पर अगर हम लाइट का डिफ्रैक्शन देखें तो इतना आसान नहीं है। तो लाइट के डिफ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत छोटा वो चाहिए साइज, तो विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, सॉरी विच इज नॉट पॉसिबल इन नेचर, तो उसको बनाना पड़ेगा हमें। तो लाइट अगर हम एक कमरे में जलाते हैं तो दूसरे कमरे में बेंड होके नहीं जा पाती, जबकि साउंड दूसरे कमरे में सुनाई देती है। साउंड का डिफ्रैक्शन आसान है, लाइट का डिफ्रैक्शन मुश्किल है। अब देखते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, इट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव
कमिंग फ्रॉम टू स्लिट. और इट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ सिंगल स्लिट. इसमें दो स्लिट होती हैं, इसमें एक स्लिट होती है. All maxima are equally bright. All maxima are equally bright. Brightness of maxima goes on decreasing. ये हम graph से भी दिखाते हैं. सारे मैक्सिमम जो होते हैं उनकी ब्राइटनेस सेम होती है, और इसमें जो होता है ब्राइटनेस बीच वाले की ज़्यादा होती है और ब्राइटनेस फिर कम होती जाती है. इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस. ऑल मैक्सिमा हैव सेम विथ All maxima have same width. सारे maxima की एक जैसी width होती है. Width of central maxima is more. Width of central maxima is more. Fifth. मिनिमा में भी कंप्लीटली डार्क. मिनिमा में भी कंप्लीटली डार्क मतलब मिनिमम पे इंटेंसिटी जो होती है वो डार्क हो सकता है, कंप्लीटली इंटेंसिटी जीरो हो सकती है. इसमें नहीं होता. मिनिमा इज नेवर कंप्लीटली डार्क. मिनिमा इज नेवर कंप्लीटली डार्क. अब बेटा क्वेश्चन देखते हैं. अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ स्लिट 0.5 mm वाइड. Calculate distance between first dark band on either side of central maxima. Distance of screen is 1.8 meter from slit. तो पहले डायग्राम बना के समझते हैं. एक स्लिट है जिसकी दूरी जो है 1.8 meter है स्क्रीन से. स्लिट का साइज 0.5 mm दिया हुआ है. पहला जो है मिनिमा बनेगा लैम्डा वाई ए एंगल पे. तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए. तो बेटा एंगल तो हो गया 2θ. तो एंगल हो गया 2λ/a. और अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है इसका तो मैं कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो एक्चुअली में मुझे निकालना है लीनियर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. दो मिनिमा के बीच की दूरी चाहिए.
इट इज सेंट्रल विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. तो 2 × 1.8 6500 × 10⁻¹⁰ अपॉन ए. ए इज 0.5/1000. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.68 mm. आ गया सवाल समझ में? और देखते हैं एक सवाल डिफ्रैक्शन का. स्क्रीन इज प्लेस्ड 50 cm फ्रॉम स्लिट ऑफ विथ 50 cm. light of wavelength 6000 angstrom is used. If distance between first and third minima is 3 mm, find width of slit. तो फर्स्ट मिनिमम की जो पोजीशन होती है वो होती है डी लैम्डा बाई ए, और थर्ड मिनिमम की जो पोजीशन होती है वो होती है 3D λ/a. लैम्डा ई ए तो बेटा एंगल होता है, मैंने डी से मल्टीप्लाई कर दिया है. फर्स्ट मिनिमम का एंगल होता है लैम्डा बाई ए, और थर्ड मिनिमम का एंगल हो जाएगा 3λ/a. मैंने इसे कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दिया है, मैंने कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दिया है जिससे कि इसका डिस्टेंस मिल सके एक्स. तो आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x3 − x1 3D λ/a माइनस D λ/a मतलब 2D λ/a दे रखा है 3 mm, और आपको निकालना है a. तो 3/1000 मिलीमीटर को मीटर में कर लिया. 2 डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन है 50 cm, तो 0.5 meter. लैम्डा है 6000 angstrom, 6000 × 10⁻¹⁰ अपॉन ए. तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 0.2 mm. एक और न्यूमेरिकल देखते हैं डिफ्रैक्शन. A slit of width A is illuminated with light of wavelength 6500 angstrom for what value of A will first minimum fall at angle of diffraction 30 degree? क्वेश्चन समझने क्या है. फर्स्ट मिनिमा का जो एंगल है वो 30 degree दे रखा है. पहली बात तो बच्चा ध्यान दें कि एंगल बड़ा है, तो हम फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन लिखते हैं ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा. हमें निकालना है ए.
साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन 30 और लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 6500 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो ए इंटू 1/2 इज इक्वल टू 6500 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1300 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। सॉल्व करके आ जाएगा 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन करना आ गए होंगे।